बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको हम लेकर जा रहे हैं KBC कैटल फार्म। अच्छा, सराबकोट से सीधा हम आ गए हैं कराची टूल गेट, ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, सराबकोट से थर्ड एग्ज़िट है और कराची टूल गेट के बाद पहला एग्ज़िट है लेफ़्ट। आगे देखें, वीडियो आपको दिखाते हैं और मैप के साथ प्रॉपर आपको रास्ता समझाते हैं। आ जाएं। कराची टूल गेट के बाद ये पहला बोर्ड आता है लेफ्ट साइड पे, हाशिम गबूल गोट और बखेर गबूल गोट, ये देखें आप। ठीक है, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर बाद हमें एक और बोर्ड नज़र आएगा ओवरहेड ब्रिज की तरह, और एक बोर्ड उल्टे हाथ पर नीचे ज़मीन पर नज़र आएगा। बस ये आ गया आपके, ये टर्न आ रहा है लेफ़्ट साइड, यहाँ से आप इंटर हो जाएंगे। देखें, यहाँ से इंटर होने के बाद देखें ये एग्ज़िट आ रहा है, थर्ड एग्ज़िट फ्रॉम सराबकोट। इसको आप क्रॉस कर लेंगे। अगर आप बाइक पर हैं तो टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टूल गेट क्रॉस करने के बाद फर्स्ट एग्ज़िट यानी फर्स्ट यू टर्न से आप वापस यू टर्न कर लेंगे राइट से। ये देखें, ऐसे आप यू टर्न कर लेंगे। अच्छा, यू टर्न फौरन ही आपको ऊपर पुल की तरफ जाना है। अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाएंगे तो आप वापस हैदराबाद की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि ये लेफ़्ट की तरफ जो रोड चल रहा है आपके लेफ़्ट साइड पर, उधर नहीं जाना, हमें पुल पर जाना है, इस ओवरहेड ब्रिज पर जाना है। यहाँ से सीधा आप इस पुल को क्रॉस करते हुए आप दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये हैदराबाद से रोड आ रहा है, लेफ़्ट पे देखें आप, ये हैदराबाद से आ रहा है कराची के लिए। इस पुल को पूरा आप क्रॉस करते हुए पुल क्रॉस करते ही ये चोरंगी आ जाएगी आपके राउंड अबाउट। इसको आप पूरा क्रॉस कर लेंगे और सीधा जाना है, ना लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है आपको। देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये सीधे हाथ पे होटल है, ये सीधे हाथ पे होटल है, और ये सीधा स्ट्रेट जाना है आपको वाटर वर्ल्ड की तरफ। वाटर वर्ल्ड पार्क है, वाटर पार्क, इस तरफ जाना है आपको सीधा। तकरीबन 1 किलोमीटर स्ट्रेट आने के बाद आपके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे, एक राइट और एक सीधा। तो आपको सीधा जाना है, राइट नहीं जाना। यहाँ GFS फार्म का बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का, ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आपको सीधा लेफ़्ट साइड ही जाना है, यानी लेफ़्ट टर्न नहीं करना, सिर्फ सीधा जाना है स्ट्रेट, राइट टर्न नहीं करना आपको। ठीक है, सीधा आने के बाद राइट साइड पे आपको मुमताज़ जनरल स्टोर मिलेगा और बिल्कुल सामने GFS का बोर्ड है और ये वाटर वर्ल्ड का गेट है बैक साइड वाला। यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न करेंगे, लेफ़्ट टर्न करेंगे और सीधा इसकी दीवार के साथ साथ चलेंगे आप। जब तक दीवार ख़त्म नहीं हो जाती इसके साथ साथ आपको चलना है। ये तीसरा गेट है वाटर वर्ल्ड का, इसके साथ साथ आपको आगे जाना है। ये देखें, वाटर वर्ल्ड का गेट आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर स्लाइड्स भी नज़र आ रही हैं वाटर वर्ल्ड की। बस इसकी दीवार के साथ साथ आपको चलना है बिल्कुल। यहाँ दीवार ख़त्म होते ही राइट साइड पे आपको टर्न कर लेना है। ये आप वाटर वर्ल्ड की बिल्कुल बैक साइड पे आप आ गए हैं। ये देखें, स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी। वाटर वर्ल्ड की दीवार के साथ जब आपने राइट टर्न किया तो राइट टर्न करने के बाद पहली गली छोड़ के दूसरी गली में फार्म नंबर D13। अच्छा, इस फार्म वाली गली की सबसे बड़ी निशानी है कि इस गली में है मस्जिद शमीम। मस्जिद शमीम वाली गली में आपको जाना है। ये देखें आप, राइट टर्न कर रहे हैं और ये गली बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन तकरीबन 40 फीट की होगी, 40 फीट होगी तकरीबन, अराउंड ऑलमोस्ट। देखिए, इस गली में आप इंटर हो गए, लेफ़्ट साइड आपके मस्जिद शमीम आएगी।
ये देखें आप, ये अभी लेफ्ट साइड आपके ये आ गई मस्जिद शमीम, ये मस्जिद है। इससे थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तकरीबन 200 मीटर दूर तो राइट साइड पर फार्म नंबर D13। जी देखें, थोड़ी दूर आकर राइट साइड पर ब्लैक कलर का गेट है और बाहर पेनाफ्लेक्स का बैनर लगा हुआ है, KBC फार्म्स, बस D13। सरसों का तेल और दूध मिला के इनको पिलाया जा रहा है ताकि इनका हाजमा अच्छा हो और स्किन जो है इनकी वो रेशम रेशम जैसी हो जाती है, इससे रेशमी रेशमी नरम मुलायम। ये रोज़ इनको पिलाया जाता है सुबह शाम 2 किलो तेल 2 किलो दूध मिलाकर। वो भी आ रहा ब्लैक वाला। नहीं कोयल नहीं। ओहो, या तो आ नहीं रहा था, आया तो ऐसा आया है या तो आ नहीं रहा था। ये देखे माहौल, देख गांव का परिंदों की आवाज चेक करें, माशाल्लाह कि परिंदे आराम से आराम से। कोई मतलब नहीं कि आप नहीं गिनना, आप छोड़ देना भेजा, आप अपने आप को कवर करना भगवान। ये शौक बता दिए ना मंडी वाला। चलो भाई, आप मंडी बुला लेना भैया, बता दे फयाज खान, इतना ले लेना मेरे फयाज खान का, इतना लेना ग्रुप में आने का ले लिया। इससे जाने वाले प्यार लगता है मेरे को। प्यार से प्यार से। हाँ छोड़ देना, मसला नहीं है। हाँ अरे भाई फैयाज भाई का जानवर माशाल्लाह से बड़ा सेट हो गया लास्ट टाइम से, माशाल्लाह है, खूब से मेहनत हुई है भाई। जी जी ले आराम से ले जाओ। ये भी
नहीं है, दूध नहीं निकल रहा भाई, दूध इसका कच्चा है अभी तक। कच्चा होगा तो चाय कैसे बनेगी, चूल्हे में चढ़ाएंगे फट जाएगा। क्या हुआ, गाय का दूध ही अच्छा है, पीला पीला इसका दूध बहुत, गाय पड़ी है ये क्या ही है, गाय जो ये जो इंडिया में चलते हैं वो वाली गाय काली माता कहता हूँ आप। चेक करो बस यार, बस माँ की ममता चेक करो बस यार। नहीं जानवर आ रहे हैं भाई, सौदा सौदा हो रहा। मैं जरा रस्सी पकड़ता हूँ फिर देखते ये बछड़ियां हैं, दो दो दांत की, 3.5 लाख रुपए की जोड़ी है ये। देखें आप, चेक करें माशाल्लाह इनकी खूबसूरती। जा रही है अंदर, भागते हुए आ रहा है भाई, भागते हुए फुल भागते हुए आ रहे हैं। लाल वाली 4 दांत की है, ब्लैक वाली 2 दांत का है, और ये 3,80,000 रुपए की जोड़ी है। ये दांतों में 2 वही खिला देते, टुकड़ा और चौकर। सर आपने बड़ी मेहनत कर दी इनपे, समझ रहे हैं, टाइम बहुत दे दिया उनको। बड़े वाले इतनी मेहनत अपने खिलाई नहीं करते होंगे, ये तो फार्म पे होती है ना, बाड़ों पे तो ऐसी तो सब जगह होती, मेहनत तो खैर होती होगी, लेकिन भी मतलब खिलाई वलाई के हिसाब से तो इतना वो नहीं चलता होगा। शौक होता है ना जी, जी। अब आप बकरे वहाँ देखेंगे जो खड़े हैं, वो शौक के बकरे, बिल्कुल ऐसा ही है, शौक के आगे कीमत भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं फिर इंशाल्लाह फिर कभी आपके पास आपकी तरफ आएंगे, आपके पास अगर माल देने वाला है तो बता। सर हम तो खुद मार्केट में ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास जो था वो बिक गया, हम चाह रहे हैं अपने पास 2-4-5 कस्टमर हो तो वो लिया, तुम्हारा अपना वो हो जाएगा भाई, बड़े जानवर का कस्टमर लिया हो आप। तकरीबन ऐसा बच्चे हो, बच्चे का मसला नहीं है, रेंज तो 5 लाख का भी लेंगे, 6 लाख का भी लेंगे, 10 लाख का भी लेंगे, उस चीज के ऊपर बात है। हमारे ये लाल मोजे वाली मछली अगर आपको देनी हो ना, ठीक है। ये इसी गाय के दूध की चाय भैया, जी देना यही बात है, यही तो मजा है ना, यही तो मजा है फार्म पर आने का, यही तो बात है। देखो सीइंग इज बिलीविंग, सही। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पता नहीं कौन से दूध की कब की चुवाई हुई, कब की हाँ हुआ हुआ है, कहाँ से चला कहाँ पहुँचा बगैर इंजेक्शन। हाँ ये सबसे बड़ा, वरना बोस्तान के बगैर है, वरना तो बोस्तान वाला चल रहा है, वो इंतहाई नुकसान है, बहुत नुकसान है वो, सही बात है।
उसकी जो रिसर्च है वो हम और अभी मिले हैं। जय बाबा। ढंग के रहिए। हाँ जी, इसको मंडी में रोक लेना भाई, इसको बता देना इरफान भाई, इसको मंडी में रख लेना, इसको बड़ा शौक है। नहीं बिल्कुल, लेकिन बच्चे को नहीं पकड़ना, ये है बच्चे को नहीं पकड़ा इसने। हाँ, छोटे को लिया, छोटा तो भैया ट्रेनिंग लो पहले। आपकी सेहत के हिसाब से इनको आप जो बछड़ा बोलेंगे खोल के लिए। या आते रहते हो, आप भी आओ इधर, आते रहो हर हफ्ते, थोड़ा ड्यूटी दो, थोड़ा ट्रेनिंग दो। आते तो हम भी रहते हैं, आप भी नहीं खोलते। गाड़ी से साइड पे चले जाते हैं। वही लेना, भजन। हाँ, ले। ओके व्यूवर्स, हमें इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कैटल फार्म का, एड्रेस आपको समझा दिया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।